समय बीत गया ना उन बालियों की को यहाँ से गए हुए। अब अगर वो लौटे तो आप उन्हें पहचानेंगे कैसे? हाँ, बदल तो गया होगा वो, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वही करुणा होगी। करुणा? हाँ तात्या, उन आंखों को देख के ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया के लिए कृपा बरसती हो उनसे। और बताओ ना माँ। उसके माथे का तेज याद है मुझे, ऐसा तेज जिसे ना सूर्य धूमिल कर सकता था न रात का अंधकार बुझा सकता था। कहीं भी किसी भी परिस्थिति से परेशान नहीं होता था वो, किसी का भय नहीं था उसे, और उसे देखकर सब अपना डर भी भूल जाते थे, फिर चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। उसका चेहरा देखकर तो खंडोबा की मूर्ति ही याद आई थी। बार उसकी आवाज सुनी थी जब उसने कहा था बाईजा माँ। आवाज तो मीठी थी ही, जो अब तक याद है मुझे, था तो वो अकेला, पर ऐसा लगता था जैसे सारा संसार उसका परिवार हो। हाँ, रूप बदल गया होगा उसका, पर मुझे पूरा विश्वास है कि उसके होने से जो अनुभूतियां होती हैं वो आज भी वही होंगी। और ये भी विश्वास है मुझे कि वो किसी भी रूप में मेरे सामने आए, मैं उसे पहचान लूंगी। वो आपको माँ कहते हैं और आप उन्हें बेटा बेटा कहते हैं, तो क्या वो मेरे भाई हुए? हाँ, क्यों नहीं। तो आप हम दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करती हैं? माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है, जितने प्यारे तुम हो ना मुझे, उतना ही प्यारा वो भी है। लेकिन जानते हो, जब मैंने माँ बनने की हर उम्मीद छोड़ दी थी, तब मैंने तुम्हें पाया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये उसी की दुआ का असर है जो उसने मुझे माँ कहकर दी थी। पर माँ जो इतने साल में नहीं लौटे, वो एक दिन फिर से यहाँ लौट कर क्यों आएंगे? माँ की तमन्ना प्रार्थना बनकर किसी ना किसी तरह उस तक जरूर पहुँचेगी, और वो ही उसे वापस लेकर आएगी। मैं जानता हूँ माँ, तुम मेरी राह देख रही हो, लेकिन जब तक मेरे गुरु मुझे वापस आने का संकेत नहीं देते, तब तक मैं शिरडी नहीं लौट सकता। मेरा तो संसार इस वृक्ष के नीचे ही है बैजामा। Thank you.
उसके गुरु हैं। आपके लिए आया था वो, आप ही ने बुलाया था उसे, यही कहा था उसने। फिर उसे दोबारा बुलाने में आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतुआए फल हो। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को सौ घड़े पानी से भी सींचे तो भी फल तो ऋतुआने पर ही लगेगा। ये सब कब तक चलता रहेगा? अब तो गांव के लोग भी हंसने लगे हैं। अगर मेरे बेटे ने ये सब संभाल के रखा होता ना, तो आज 10 गाय नहीं और होती घर में। पर समझाए कौन और किसे? अभी भी समय है। ये अन्न ये धन उस बाल योगी की श्रद्धा में जो व्यर्थ करती हो ना, बचा के रख। तेरा बेटा जब बड़ा होगा तो उसके काम आएगा, समझी? आई, इतने सालों में अगर इतनी ऊर्जा इन बातों में बर्बाद ना कर ज्ञानेश्वरी के अध्ययन में लगाई होती तो आज आपको ज्ञानेश्वरी कंठस्थ हो चुकी होती। अरे ज्ञानेश्वरी कंठस्थ करके भी क्या होता? अगर आखिर में अन्नपूर्णा का लक्ष्मी का अपमान ही करना था तो? कलयुग, घोर कलयुग, अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ का अपमान कर रहा है, उसे झूठा बता रहा है। पिट्ठल तू देख क्या होगा इस घर का। राम 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 राम। मैं उसके आने की उम्मीद नहीं छोड़ सकती। मैंने आपको कभी रोका है? मतलब मैं अकेली पागल नहीं हूँ। हर परिस्थिति में आपका साथ देने का वचन दिया था, पागलपन में अकेला कैसे छोड़ दूं? बिजले! 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 रुकिए, सुनिए। जी कहीं? जी मेरी एक घोड़ी है, पिछले एक महीने से गायब है। बहुत ढूंढा उसे लेकिन कहीं वो मिली नहीं, और आज तो उसे ढूंढते ढूंढते मैं यहां तक आ गया। आप में से किसी ने देखी है क्या ऐसी घोड़ी? बहुत सुंदर है, सफेद रंग, लंबी। हम दिन में यहाँ से 2-3 बार गुजरते लेकिन हमको नहीं दिखी। साहब, एक महीने में नहीं मिली, आप कहाँ मिले? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर जानवर समझता तो कब की उम्मीद छोड़ चुका होता। मेरे सामने पैदा हुई थी, मैंने अपनी बच्ची की तरह पाला उसे। उसकी पीठ पर एक जख्म हो गया था, पता नहीं वो जख्म भी भरा होगा या नहीं। अल्लाह खैर करे, पता नहीं किस हालत में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिजले! इस जंगल में जख्मी घोड़ी आई भी होती तो जंगली जानवर उसे कब का खा चुका होता। बिजले! चांद, यहां कौन आवाज देगा? वहम होगा मेरा। चांद, 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 इधर आओ चांद।
क्या सोच रहे हो चांद पाटिल? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले भी कभी कहीं मिले? सब लोग कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। इतने दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते थक नहीं गए? जानते हो, वो भी तुम्हें ढूंढ रही है, पर उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। जी, बिजली। आप कौन हैं? मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। पानी पियोगे? हाँ बाबा। क्या हुआ, स्वाद अच्छा नहीं है? ऐसा मीठा पानी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पिया बाबा। पूरा पी लूं? हो गया बाबा, आप मुझे जानते हैं, मेरी घोड़ी को जानते हैं। मेरी घोड़ी गायब थी ये भी आपको पता है, और अभी आपने इस पत्थर से पानी की धारा बहा दी। इस पानी को पीकर तो मेरे सांसों की सारी तकलीफें दूर हो गई बाबा, मैं एकदम ठीक हो गया हूं। बाबा एक बात पूछो, मेरी घोड़ी तो सही सलामत है ना? बिजली 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 मेरी बच्ची,
खेड़े का रहने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलें। जब तक मेरी सांसें हैं मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं तो वैरागी हूं, कभी यहां कभी वहां, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरी खिदमत करके क्या करोगे? सेवा करनी है तो समाज की करो, वही मेरी सेवा होगी। राम जी भला करेंगे। करूंगा बाबा, वो भी करूंगा, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है। मेरे भतीजे का निकाह है बाबा, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आप इस निकाह में शरीक हो जाइए। मेरी इल्तिजा को निमंत्रण समझिए। बारात आज रात निकलेगी, निकाह कल है शिरडी में। नहीं, बुलावा, बुलावा है ये। मैं आऊंगा, चांद में जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मैं राह देखूंगा बाबा। हेलो भाई, लो वक्त हो गया चांद भाई, अब बारात चलनी चाहिए। अब तो अभी थोड़ा रुको छोटे मियां। पर अब किसका इंतजार है? है कोई जिनके मेरा घर से बारात निकालने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी घर के बड़े बुजुर्ग ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। ऐसा कौन है भाईजान? बाबा। सलाम चांदनी। आ गए बाबा, मुझे यकीन था आप मेरे यकीन को नहीं तोड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन अब देर किस बात की है? चलो सुबह होने से पहले शिरडी पहुंचना है। हाँ हाँ बाबा, हाँ चलो भाई, चलो 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 चलो। बाबा दिखाई दे रहे, कहाँ गए? बाबा यही तो थे। बाबा बाबा बाबा, आप तो कब आगे निकला है पता ही नहीं चला। शिरडी पहुंचने की जल्दी मुझे तुम सबसे कहीं ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि सूर्य की पहली किरणें जब शिरडी का अभिषेक कर रही हूँ तो मैं उसे देख सकूं। लगता है शिरडी बहुत अजीज है आपको, कोई खास वजह? अरे अमजद में आप बाहर क्यों निकला? आपको तो अपनी अम्मी के साथ बैठना था ना। मामू, मैं आपके साथ चलूंगा ना।
अरे बेटा थक जाओगे। अगर आप नहीं थकते तो मैं कैसे थकूंगा? मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ ना। तुझसे कोई नहीं जीत सकता। अरे भाई बढ़ते चलो, सवेरे होने से पहले पहुंचना है, जल्दी। तुम्हारे भाईजान भी ना जी, अगर सूरज निकलने से पहले हमें पहुंचना था तो घर से जल्दी निकलना था ना। आखिर क्या जरूरत थी फकीर बाबा का इंतजार करने की? अरे उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि रात का सफर ना खतरों से खाली नहीं होता। कौन समझाए मामू। हाँ? मुझे पकड़ो। अमजद मियां रुको, आगे मत जाओ, घना जंगल है, आ जाओ। मामू मामू मुझे पकड़ो। अरे अमजद रुको। बेटा आगे मत जाओ।